हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू आवर स्थापना सीरीज, जिसमें हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज आर्ट एंड कल्चर का मुगल आर्किटेक्चर। सो वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू कि बहुत सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनको हमारे स्थापना और जिज्ञासा जो है उनका हमारा मोटिव क्या है, टारगेट क्या है, वो नहीं पता। तो वो आई वॉन्ट टू टेल यू स्थापना का क्या है। सो स्थापना में हम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि प्री में किसी भी जो टॉपिक होते हैं मेनली उनसे थोड़े फैक्चुअल एज वेल एज थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में आपको पूरा आंसर लिखना होता है जिसमें आपको उस टॉपिक को एनालाइज करना होता है कि क्या फीचर्स थे, क्या आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे उसके लिए, क्या सजेशंस देंगे, कौन कौन से और इनिशिएटिव्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए चलाए गए हैं, इस तरीके के आपको आंसर लिखना होता है मेंस में। तो उसी हिसाब से हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं स्थापना में जो आपके प्री के लिए भी हेल्पफुल होंगे, मेंस के लिए भी। सपोज मुगल आर्किटेक्चर है, सो मुगल आर्किटेक्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे प्री में जो है, हमने अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, सो प्री में हमने देखा है कि मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ रेड फोर्ट, और फिर उसमें रेड फोर्ट के फीचर्स दे देते हैं कि इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दिस रूलर, या फिर इसकी ये स्पेशलिटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्री में देखते हैं। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर व्हाट मेक्स मुगल आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम दी दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, और उसी हिसाब से ही वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी स्थापना लेक्चर सीरीज़ है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि आपने ये ढंग से नहीं कराया, वो ढंग से नहीं कराया, तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़, एज वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, वी कांट डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। तो ऐसा नहीं है कि स्थापना का जो लेक्चर है वो आपकी बुक्स को रिप्लेस कर देगा, नो, बुक्स की नीड आपको फिर भी होगी, लेकिन इसमें हम आपको होलिस्टिकली एक टॉपिक की प्रिपरेशन कराते हैं जिस हिसाब से आप उसको मेंस में लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप पिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं या फिर जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी बुक से, मैं वहाँ पर आपको अलग से उसको मेंशन कर दूंगी कि ये वाली चीज़ आप बुक से रेफर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मुगल आर्किटेक्चर दैट फ्लरिश्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ क्या है कि मुगल आर्किटेक्चर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही फ्लरिश किया है। तो अगर कहीं पर साउथ इंडिया मेंशन होता है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेंशन होता है, वहां पर नहीं है, ठीक है। Under the patronage of the Mughal emperors from the mid-16th to the late 17th century, और मुगल पीरियड जो है एक रिवाइवल मार्क किया है किसका, इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन नॉर्दर्न इंडिया। तो मुगल पीरियड ने इस्लामिक आर्किटेक्चर को फिर से रिवाइव किया, ये इसकी स्पेशलिटी है। और मुगल एम्परर्स के पैट्रोनेज में पर्शियन, इंडियन और वेरियस प्रोविंशियल स्टाइल्स जो हैं उन सभी को फ्यूज़ किया गया टू प्रोड्यूस वर्क्स ऑफ अनयूजुअल क्वालिटी एंड रिफाइनमेंट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर या फिर आर्ट जो है वो एक प्योर फॉर्म है, तो वो वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है फ्यूज है डिफरेंट स्टाइल्स का, जैसे पर्शियन, इंडियन, इस्लामिक, प्रोविंशियल, बहुत सारी स्टाइल्स का मिक्स है। और पहली बार जो मुगल आर्किटेक्चर फ्लरिश होना शुरू हुआ, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द ग्रेट, जिनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक है, एंड हिज रेन इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एज अ बिल्डिंग मटीरियल। और आर्किटेक्चर जो मुगल आर्किटेक्चर का जो पीक है रिफाइनमेंट में भी एज वेल एज अटेंशन की डिटेल्स में भी, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लरिश कब होना शुरू हुआ, अकबर के टाइम पे, पीक पे कब पहुंचा, शाहजहां के टाइम पे, और डिक्लाइन कब शुरू होना शुरू हुआ, विद द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब इन 1707।
एक और चीज़ मुगल पीरियड मुगल आर्किटेक्चर को सुल्तान आर्किटेक्चर से अलग बनाती है कि बिल्डिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड जो हैं दैट बियर नो मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोविंशियल और रीजनल स्टाइल, यानी रीजनल स्टाइल जैसे अगर सपोज कोई बिल्डिंग गुजरात में बनी है और दूसरी बिल्डिंग बनी है यू कैन से यूपी में, तो ऐसा नहीं होगा कि उन दोनों का जो स्टाइल में आर्किटेक्चरल डिफरेंस होगा, ऐसा हम मुगल आर्किटेक्चर में बोलते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन देयर आर्किटेक्चरल कैरेक्टर, और यही चीज़ उसको सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि सल्तनत पीरियड की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर प्रोविंशियल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं कि वॉट मेक्स मुगल आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम सल्तनत पीरियड, ऐसी चीज़ें आपको उसमें मैंशन करनी पड़ेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि मुगल आर्किटेक्चर के डिफरेंट फीचर्स क्या हैं जो इसको और जो आर्किटेक्चर हैं उससे डिफरेंट बनाते हैं। सो मुगल आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेट्स इंडियन एलिमेंट्स विद पर्शियन एज वेल एज इस्लामिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे इसमें लार्ज अनियन डोम्स, अनियन टाइप डोम्स का यूज़ किया गया है, हम देखते हैं बिल्डिंग्स में इस तरीके का। समटाइम्स सराउंडेड बाय फोर स्मॉलर डोम्स, जो कि हमें ताजमहल में देखने को मिलता है कि बीच में एक लार्ज डोम है और फिर जो पिलर्स हैं उन पर स्मॉलर डोम्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। देन यूज ऑफ वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन, तो आर्किटेक्चर जब भी आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का पढ़ते हैं आपको ध्यान देना है कि कौन सा पर्टिकुलर इसमें चीज़ यूज़ की गई है। जैसे अगर स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं तो कौन से पर्टिकुलर स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, तो मुगल आर्किटेक्चर में वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है बहुत ही ज़्यादा। इट ऑल्सो इंक्लूड डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन वर्क, ठीक है, जैसे जाली लैटिस स्क्रीन्स एंड पाचनकारी डेकोरेटिव वर्क। उसके अलावा जो भी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है मुगल आर्किटेक्चर में, दोज आर सराउंडेड बाय गार्डन्स ऑन ऑल फोर साइड्स, ठीक है। बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं जिसमें जनरली ये होता है कि पहले मॉन्यूमेंट बना होता है उसके सामने गार्डन होता है, लेकिन अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें चारों तरफ गार्डन होता है, ठीक है। मॉस्क विद लार्ज कोर्टयार्ड्स, देन पर्शियन एंड अरेबिक कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस। तो प्री में ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इसमें कोई और यहाँ पर लैंग्वेज दे दे कि प्राकृत कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि दैट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज पर्शियन और अरेबिक कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं विच इंक्लूड्स वर्सेस फ्रॉम कुरान ऑल्सो। उसके अलावा देर आर लार्ज गेटवेज दैट लीड अप टू द मेन बिल्डिंग। उसके अलावा इवांस ऑन टू और फोर साइड्स, तो इवांस क्या है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मुगल आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसमें कि ऐसे करके एक बहुत बड़ा सा गेटवे होता है, लेकिन वो सिर्फ गेट नहीं होता, वो एक तरीके का रूम भी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ताजमहल की एंट्री में भी है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है ईवान बोला जाता है, यानी इसमें तीन साइड जो होती हैं वो वॉल्स होती हैं लेकिन एक साइड जो है वो खुली होती है, जो लगता गेट जैसा है बट ये एक रूम टाइप होता है, इसको ईवान बोला जाता है। यूज़ ऑफ डेकोरेटिव छतरीज, उसके अलावा मुगल आर्किटेक्चर हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो मुगल आर्किटेक्चर से जो बाद में इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस हुई, जैसे इंडो सारासेनिक स्टाइल ऑफ द ब्रिटिश राज, द राजपूत स्टाइल एज वेल एज द सिक्स स्टाइल। सो गाइज, दीज वर द फीचर्स विच मेक्स मुगल आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्किटेक्चर्स। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेन्स में भी लिखा जाएगा ये, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वॉट आर द स्पेशलिटीज और वॉट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, वहाँ पर आपको ये मैंशन करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो जितने भी मुगल रूलर्स रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बाबर से शुरुआत हुई और औरंगजेब तक आर्किटेक्चर सही था, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो हम सारे रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बाबर अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन पानीपत एंड रोहिलखंड, तो ये दो लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है कि पानीपत और रोहिलखंड में बाबर ने मॉस्क्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। कब करवाया था? 1526 एडी में। And his reign was too short-lived to inspire any new style or technique. तो इससे हमें पता चलता है कि बाबर के टाइम में कोई न्यू स्टाइल और टेक्निक जो है वो डेवलप नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाबर का जो टाइम पीरियड था, बाबर की जो रेन थी इंडिया में, दैट वॉज वेरी शॉर्ट। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर अंडर हुमायूं। सो हुमायूं की जो रेन थी उसमें कांस्टेंट पावर स्ट्रगल थी हुमायूं की शेरशाह सूरी से, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, बट स्टिल ही लेट द फाउंडेशन ऑफ अ सिटी नेम दीनपना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दीनपना की फाउंडेशन किसने की? बाबर ने की, लेकिन उसको वो फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन पर्शियन स्टाइल जो है दैट बिकेम प्रोमिनेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्शियन स्टाइल जो है वो कौन से रूलर के
टाइम पीरियड में प्रोमिनेंट हुई या फिर ज़्यादा डेवलप होने लगी या फिर इमर्ज होने लगी इंडिया में, तो दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं। अब बढ़ते हैं हम अकबर की तरफ। सो पूरी तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो फ्लरिश होना शुरू हुआ मुगल एम्पायर में, तो दैट स्टार्टेड विद अकबर, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले हम सिचुएशन जानते हैं, पहले हम सर्कमस्टेंसेस जानते हैं। सो जैसा कि हमने अकबर के बारे में पहले भी पढ़ाया, अकबर जो है अदर रिलीजन्स की तरफ ही वॉज वेरी टॉलरेट, ठीक है, ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन टुवर्ड्स दी अदर रिलीजन्स, और यही जो इम्पैक्ट है और यही जो इन्फ्लुएंस है वो उसके आर्किटेक्चर पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अर्ली मुगल आर्किटेक्चर जो था, जब मैं अगेन मैं आपको बताऊंगी, दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द ग्रेट, ठीक है, जहां पर पैलेसेस, मॉस्क, गार्डन, मसोलियम्स ये सब बनने शुरू हुए, और ये जो आर्किटेक्चर था दैट वाज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन, टर्किक, तिमूरिद, ईरानियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है आर्किटेक्चर अंडर अकबर में। और अकबर आर्किटेक्चर का सबसे रिमार्केबल फीचर ये है, इट इंक्लूड्स लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन, यानी मार्बल का यूज ज्यादा नहीं था, सैंड स्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ कब हुआ, अकबर के टाइम पर। और जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी ड्यूरिंग हिज रेन दैट वर मेड फॉर सिविलियन पर्पसेस आल्सो, ये भी एक इसका स्पेसिफिक फीचर है, किसका, अकबर के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसका। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग ऑफ द अकबर रेन वॉज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं विच इज़ एट दिल्ली, किसने बनाया था, बिल्ड बाय हिज विडो हाजी बेगम इन 1569 AD। उसके बाद टॉम इनिशिएटिव अ न्यू डिपार्चर इन द इंडियन आर्किटेक्चर एंड वाज डिजाइन ऑन अ मॉडल ऑफ टूम्स ऑफ तिमूर एंड खाम एट समरकंद। तो इससे जो है टूम ऑफ हुमायूं जो है वो किससे इंस्पायर्ड था, बाय द टूम्स ऑफ तिमूर एंड खाम एट समरकंद। अब हम हुमायूं टॉम के बारे में जानेंगे। सो इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टूम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपको नोट करना है, फर्स्ट गार्डन टूम था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी यूज रेड सैंड स्टोन एट सच अ स्केल। हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हुमायूं टॉम, आप देख सकते हैं कि इसमें रेड स्टोन सैंड स्टोन का कितना ज़्यादा यूज़ किया गया, पहली बार इतना लार्ज स्केल पर यूज़ इसी बिल्डिंग में किया गया था। और टॉम जो है दैट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इट रिप्रेजेंटेड अ लीप इन मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जैसे चार बाग गार्डन जो है वो स्टाइल वो हम मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, एज वेल एज पर्शियन गार्डन्स जो हैं वो भी मुगल आर्किटेक्चर का स्पेसिफिक फीचर है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले किस में इंट्रोड्यूस की गई थी, हुमायूं टॉम में इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड इट सेट अ प्रेसिडेंट फॉर सब्सिक्वेंट मुगल आर्किटेक्चर। तो ये एक तरीके से यू कैन से सैम्पल मॉडल था कि ये जो है हमने इतना हाई बार सेट कर दिया है आर्किटेक्चर के लिए, और जो इसके आगे जो बिल्डिंग्स आई वो सारी इसी से ही इंस्पायर्ड होके और इसी को ही एक तरीके से बेस बना के बनाई गई थी। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हुमायूं टॉम पे अलग से एक लेक्चर बन सकता है पूरा, बिकॉज देर इज अ टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दिस मॉन्यूमेंट, लेकिन मैंने आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक ऑफ नितिन सिंघानिया और सम अदर बुक्स जहाँ पर इसके बारे में गिवन है। अब हम बढ़ेंगे आगरा फोर्ट के बारे में। सो अर्लीस्ट स्पेसिमेन जो हमें अकबर के न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है वो मिलता है रेड फोर्ट एट आगरा, जिसकी पिक्चर यहाँ पर हमें गिवन है। सो ये जो फोर्ट की कंस्ट्रक्शन है कब स्टार्ट हुई, 1565 AD में स्टार्ट हुई, किसके सुपरविजन में स्टार्ट हुई, अंडर द सुपरविजन ऑफ कासिम खान, और इसको बनाने में 15 ईयर्स लगे थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे गेट्स जो हैं वो बनाए जाते थे फोर्ट्स के, तो जो वेस्टर्न साइड का जो गेट है दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज द दिल्ली गेट। तो ये भी आपको नोट करना है कि आगरा का जो रेड फोर्ट था वहाँ पर दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट है, क्योंकि इसमें भी आपको UPSC कन्फ्यूज़ कर सकती है, जैसे बोल दे कि हुमायूं टॉम के वेस्टर्न गेट को दिल्ली गेट बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिल्ली गेट इज़ इन रेड फोर्ट ऑफ आगरा। उसके अलावा देर इज़ अदर गेट ऑल्सो विच इज़ नोन एज अमर सिंह गेट, तो स्मॉलर गेट इज़ नोन एज अमर सिंह, और जो मोस्ट पॉपुलर गेट है रेड फोर्ट इन आगरा का दैट इज़ दिल्ली गेट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन द फोर्ट इज जहांगीर महल, तो ये भी आपको नोट करना है कि जहांगीर महल कहाँ पर है, रेड फोर्ट इन आगरा का ही एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग किस लिए बनाई गई थी, अकबर ने अपने सन के लिए बनाई थी जहांगीर के लिए, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया जहांगीर महल, उससे आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट कह सकते हैं हम अकबर के टाइम का, दैट इज़ फतेहपुर सीकरी। सो फतेहपुर सीकरी जो है कोई सिंगल मॉन्यूमेंट नहीं है, इट्स अ टाउन इन द आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP,
और जो ये पूरी सिटी है दैट वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1571, किसने फाउंडेशन की थी? एम्परर अकबर ने. सो इट वॉज बिल्ट ऑन द समिट ऑफ अ हिल नियर सीकरी इन ऑनर ऑफ शेख सलीम चिश्ती इन 1569 AD. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस सेंट के ऑनर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के. तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख सलीम चिश्ती जो थे वॉज ही कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है, तो यस वो वाला करेक्ट होगा. देन प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस सिटी इंक्लूड द सोनहला महल और द हाउस ऑफ द प्रिंसेस ऑफ आमेर, देन द प्लेस ऑफ टर्किश सुल्तान, द दीवान खास, जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, रंच महल. ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं. किस कंटेक्स्ट में ध्यान रखने हैं? कि ये सारे जो हैं फतेहपुर सीकरी का पार्ट हैं. यहाँ पर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी. सो जामी मस्जिद जो है, ये चीज़ आपको नोट करना है, हम जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. जामी मस्जिद जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वॉज मॉडल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ मॉस्क एट मक्का. सो मक्का से इंस्पायर्ड होकर इस मॉस्क को बनाया गया था एंड इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्लोरी ऑफ फतेहपुर. देन उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, हम सब ने इसके बारे में सुना है एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू हैव बीन इरेक्टेड इन 1601 AD. किस लिए? टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ अकबर इन द डेक्कन. ये इसका रीज़न भी आपको नोट करना है. देन अब हम देखेंगे कि जहांगीर के टाइम में आर्किटेक्चर जो होता है, सो जहांगीर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग देन दी आर्किटेक्चर, इसलिए उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मुगल आर्किटेक्चर में दैट इज़ लिमिटेड. लेकिन जो लिमिटेड है उसके बारे में हम जान लेते हैं. सो फर्स्ट इज अकबर मोसोलियम. सो फर्स्ट ग्रेट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ जहांगीर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अकबर मोसोलियम. कहाँ पर है? एट सिकंदरा, अबाउट 3 miles फ्रॉम आगरा. इसके फीचर्स क्या हैं? 74 feet हाई है, 4 white marble मीनारे हैं इसमें एंड द मोसोलियम प्रॉपर इज 5-storied बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन अ 30 feet हाई आर्किटेड प्लेटफॉर्म ऑफ मार्बल. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, तो आपको नोट करनी है. सो गाइज, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या पढ़ना है, या फिर अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं हिंदू में से, आपको नहीं पता इसमें से क्या पढ़ना है, तो उसका सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. सो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के जीएस के, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पर. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछती है और कौन से टॉपिक में से ज़्यादा पूछती है, ठीक है. तो वो आपको सबसे पहले कवर करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी और उसी के बाद जो एडवांस स्टडी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी है या फिर कोई एडवांस बुक्स आपको पढ़नी है तो वो आप पहले पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद फिर आपको वो करनी है. अब हम पढ़ेंगे टूम ऑफ इतिमादुद्दौला के बारे में. सो मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग है जहांगीर के टाइम की और ये जो है टूम ऑफ इतिमादुद्दौला है. तो ये कौन था? सो ही वॉज दी फादर ऑफ नूर जहां, हु वॉज दी वाइफ ऑफ जहांगीर एंड इट वॉज मेड बाय और इट वॉज बिल्ट बाय नूर जहां एज अ ट्रिब्यूट टू हर फादर मिर्ज़ा घियास बेग. तो मिर्ज़ा घियास बेग का ही नाम था इतमादुद्दौला, उन्हीं को ही ये वाला टाइटल दिया गया था और उसी के ही ओनर में और ट्रिब्यूट के लिए नूर जहां ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाई एंड दिस बिल्डिंग मार्क्ड अ ट्रांजिशन बिटवीन द रेड स्टोन कम मार्बल कंस्ट्रक्शंस ऑफ अकबर एंड जहांगीर एंड द प्योर मार्बल क्रिएशंस ऑफ शाहजहां. तो यहीं से ही जो है, अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की अर्ली आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था और अगर मार्बल यूज़ किया जाता था तो इसके कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता था. ऐसे प्योर मार्बल का कंस्ट्रक्शन हमें अर्ली मुगल आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलता. लेकिन अगर हम शाहजहां की बात करें तो वहाँ पर हमें प्योर मार्बल भी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसे ताजमहल है. तो ये जो ट्रांजिशन हुई रेड सैंडस्टोन का मार्बल से प्योर मार्बल तक, वो कहाँ से शुरुआत हुई? उसकी टूम ऑफ इतमादुद्दौला से ही हुई. आप देख सकते हैं कि इसका जो फाउंडेशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्योर मार्बल. ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछती है. और कहाँ पर सिचुएटेड है ये? आगरा में. देन उसके अलावा मसोलियम ऑफ जहांगीर है जो कि लाहौर में है. सो दिस मसोलियम इज़ बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफ अ रेडिश फ्री स्टोन. उसके अलावा इट हैज़ अ स्पेशियस एंट्रेंस थ्रू अ हैंडसम गेटवे ऑफ मार्बल एंड इनैमल, आप देख सकते हैं यहाँ पर.
And opposite to this mausoleum, there is another mausoleum of Asaf Jah, who was the brother of Noor Jah. And this monument is built of brick in the form of octagon supporting a bulb dome of the same material. अब हम पढ़ेंगे कि शाहजहां के टाइम के आर्किटेक्चर का. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल आर्किटेक्चर पीक पे कब पहुंचा, शाहजहां के टाइम पे. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां एक परफेक्ट एसिमिलेशन था हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का. यानी इससे पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, पर्शियन आर्किटेक्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगल आर्किटेक्चर पे, लेकिन शाहजहां के टाइम में हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है उनका परफेक्ट एसिमिलेशन हो गया. द टेक्निक ऑफ द पीत्रा ड्यूरा इन सम ऑफ इट्स फाइनेस्ट इनले वर्क इन द वर्ल्ड, द वेल प्रपोर्शन्ड मीनारेस विच ही बोल्डली प्लेस इन फोर कॉर्नर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द ताज इंस्टेड ऑफ द एंट्रेंस टू द गार्डन एज इन अकबर टूम. तो ये जो है स्पेसिफिक फीचर है शाहजहां का, पीत्रा ड्यूरा जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ किया गया. वेल प्रपोर्शन मीनारेज बनाई गई जो कि प्लेटफॉर्म के चारों कोनों पर प्लेस की गई. इससे पहले जो अकबर टूम था उसमें एंट्रेंस पे प्लेस की गई थी ऐसी मीनारें, लेकिन शाहजहां के टाइम पे चारों कॉर्नर्स पे प्लेस की गई. तो ये भी एक डिफरेंस देखा जा सकता है. अब यहाँ पर एक कीवर्ड है पीत्रा ड्यूरा का है. सो ये जो है एक डेकोरेशन आर्ट है जिससे डिफरेंट कलर्स के जो स्टोन्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है टू राइट समथिंग और टू डेकोरेट दी बिल्डिंग्स और पिलर्स वगैरह. तो ये इसका मेंशन आप बहुत बार बुक्स वगैरह में देखते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है. शाहजहां बिल्डिंग्स आर मोस्टली बिल्ट विथ वाइट मार्बल इन प्लेस ऑफ रेड स्टोन. तो इससे पहले रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था, लेकिन शाहजहां की मोस्टली बिल्डिंग जो है दोज आर मेड इन और बिल्ट इन वाइट मार्बल. दैट्स वाई हिज रेन इज कॉल्ड अ रेन ऑफ मार्बल. देन शाहजहां बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद कहाँ पर, नियर दिल्ली, कब, इन 1638 AD. और ये जो है डिटेल्ड प्लान के अकॉर्डिंग ये सिटी जो है बिल्ड की गई थी. और सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर जो है सिटी का दैट इज़ रेड फोर्ट कंटेनिंग 50 palaces, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ओनली 20 ऑफ दीज पैलेसेज हैव सर्वाइव्ड. आई होप आप सभी ने रेड फोर्ट के लिए विजिट किया होगा. इट्स अ वेरी यू कैन से extraordinary type of monument. And the most notable palace built in the fort include Moti Mahal, Sheesh Mahal and Rang Mahal, all built in the same style. तो Red Fort का ही part है जो शाहजहांबाद जो city है दिल्ली की, वहाँ पर मोती महल, शीश महल, रंग महल ये तीनों उसी का ही part है. So उसके अलावा एक और important monument है शाहजहां के time का, वो है जामा मस्जिद. So इट्स फाउंडेशन वॉज लेड इन 1644 AD. और इसको कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगा था, 14 ईयर्स. ठीक है, ये क्यों बनवाया था शाहजहां ने, इट वॉज मैंट फॉर द सेरीमोनियल अटेंडेंस ऑफ शाहजहां एंड हिज कोर्टियर्स. उसके बाद जैसे यहाँ पे मोती मस्जिद के बारे में हम बात करेंगे, तो अनदर मॉस्क ऑफ डिस्टिंक्शन बिल्ट बाय शाहजहां वॉज मोती मस्जिद एट आगरा. यहाँ पर इसकी पिक्चर है. पर्ल मॉस्क भी इसको बोला जाता है, पर्ल मॉस्क, बिकॉज इट लुक्स लाइक पर्ल बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. और ये शाहजहां ने क्यों बनवाया था, इन ऑनर ऑफ हिज डॉटर जहानारा, ये भी आपको नोट करना है. देन उसके बाद ताजमहल विच इज़ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय शाहजहां, और ये मुमताज़ की याद में बनवाया था, ये सब आपको पता ही है. तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे जो थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर UPSC उससे क्वेश्चन पूछ सकती है. सो अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्नियर, तो ये ट्रैवलर का नाम है, ये आपको नोट करना है. उसके अकॉर्डिंग अबाउट 20,000 मैन टुक अबाउट 22 ईयर्स टू कम्प्लीट इट. और इसमें कितना पैसा लगा था, 3 करोड़. और शाहजहां यूज्ड पीत्रा ड्यूरा अ मेथड ऑफ डेकोरेशन ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, इनलेड वर्क ऑफ जूल्स एंड फ्रॉम ऑल अवेलेबल एविडेंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट वॉज उस्ताद ईशा हु वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ हिंदू आर्किटेक्ट. तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, उस्ताद ईशा वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल. उसके अलावा अनदर रिमार्केबल आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां के टाइम का है पीकॉक थ्रोन. सो पीकॉक थ्रोन, द थ्रोन हैड एन इनेमल्ड कैनोपी सपोर्टेड बाय 12 पिलर्स ईच ऑफ विच बोर टू पीकॉक्स इनलेड विद जेम्स. लेकिन 1739 में नादिर शाह हु इन्वेटेड इंडिया ही कैरिड इट अवे विद हिम टू पर्शिया. तो ये जो थे आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां के टाइम के थे. अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर अंडर औरंगजेब. सो औरंगजेब जो है उसकी जो थ्रोन एक्सेशन टू दिस थ्रोन जो है उसकी जो रेन है दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिच हार्वेस्ट इन बिल्डिंग आर्ट बिकॉज हिज प्योरिटैनिज्म गिव लिटिल एनकरेजमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और ही इज़ यूजुअली डिसक्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स एट बनारस एंड मथुरा एंड रेजिंग मॉस्क्स अपॉन दैम.
ठीक है। और एक और अगर हम स्पेसिफिक फीचर देखें औरंगजेब का टाइम पे, तो ड्यूरिंग हिज राइन मुगल अकेडमी वॉज डिस्पर्स, और जितने भी आर्टिस्ट थे मुगल एम्पायर के उन्होंने राजपूत कोर्ट को ज्वाइन कर लिया था, वेयर देयर इन्फ्लुएंस ऑन हिंदी पेंटिंग इज क्लियरली एविडेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो पेंटिंग फिर राजपूत कोर्ट्स में बनाई गई थी उस पर हम देखते हैं कि मुगल इन्फ्लुएंस है। वो क्यों है? क्योंकि जो पहले आर्टिस्ट मुगल कोर्ट में काम करते थे उन्होंने ही बाद में राजपूत कोर्ट को ज्वाइन कर लिया था औरंगजेब की वजह से, ठीक है, और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पे बिल्डिंग्स जो हैं वो उससे पहले स्टोन से बनाई जाती थी, मार्बल से बनाई जाती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग औरंगजेब के टाइम पर जो बनी है दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड रूबल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जो पत्थर ऐसे टेढ़े मेढ़े से पत्थर होते हैं उनसे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको रूबल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसी बिल्डिंग्स जो हैं औरंगजेब के टाइम पर बनाई गई थी फिनिश्ड इन स्टूको प्लास्टर यानी थिन लेयर ऑफ प्लास्टर। इस तरीके की बिल्डिंग औरंगजेब के टाइम पर बनाई गई और बहुत सारी तो नहीं लेकिन देर आर फ्यू नोटेबल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। उसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे, मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगी, दैट इज बादशाही मस्जिद एट लाहौर, ठीक है, जिसकी पिक्चर यहाँ पर गिवन है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बादशाही मस्जिद या फिर शाही मस्जिद जो बोलते हैं जो कि लाहौर में, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। सो गाइज दैट वॉज इट अबाउट मुगल आर्किटेक्चर। अब आपने इस सब के बारे में जान लिया, फीचर्स जान लिए, डिफरेंट रूलर्स जो थे उनके टाइम की स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, मेन मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको कंक्लूजन भी लिखना होता है। सो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो मुगल आर्किटेक्चर है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद की जो आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलती है, मुगल्स के बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स आए। सो ब्रिटिशर्स की जो इंडो गॉथिक स्टाइल थी उसको, उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगल्स का, इसलिए उसको नियो मुगल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस यही है मुगल आर्किटेक्चर का। दूसरा, जो इंडिया की कल्चर है उसको मुगल आर्किटेक्चर से रिलेट करके देखा जाता है। सपोज आप किसी फॉरेनर से मिलते हैं और वो आपसे पूछता है कि आपकी कल्चर में सबसे नोटेबल चीज़ें कौन सी हैं, सबसे रिमार्केबल चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि ताजमहल है, ठीक है। तो इस तरीके से मुगल आर्किटेक्चर को इंडियन कल्चर से जो जोड़ के देखा जाने लगा वो इसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं एज वेल एज अभी तक ये प्रिवेल करते हैं उससे किया जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिटेन हो जाए। सो पहला क्वेश्चन है, शाहजहां बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद नियर आगरा। तो दो चीज आपको ध्यान देनी है, शाहजहां ने इस सिटी को बिल्ड किया, दूसरा नियर आगरा। तो यस, शाहजहांबाद की जो सिटी है शाहजहां ने बिल्ड किया, लेकिन इट वॉज नॉट नियर आगरा, इट वॉज नियर दिल्ली। इसलिए दूसरा पार्ट जो है स्टेटमेंट का दैट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा है, शाहजहां रेन हैज बीन कैरेक्टराइज बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि शाहजहां के टाइम पर एक्सटेंसिव यूज़ किसका किया गया? वाइट मार्बल में। इसलिए मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट जो शाहजहां के टाइम पर बनाए गए थे दे आर मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू पीतरा ड्यूरा। तो अभी मैंने आपको बताया था पीतरा ड्यूरा के बारे में, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स के बने। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ डेकोरेटिव आर्ट एंड नॉट आर्किटेक्चरल। तो इस तरीके के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगी, ट्रिकी क्वेश्चन मैं कहूँगी, उन पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा है, इट इज़ एन इनले टेक्निक ऑफ यूजिंग कट एंड फिटेड हाईली पॉलिश कलर्ड सैंडस्टोन्स टू क्रिएट इमेजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कलर्ड स्टोन्स जो होते हैं उनको कट और फिट करके इमेजेस बनाई जाती हैं और उसको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मुगल आर्किटेक्चर में, स्पेशली हमें देखने को मिलता है शाहजहां के टाइम पे। सो यस, ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है, तख्त ए तौस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल जैम इन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर कंस्ट्रक्टेड इट। तो तख्त ए तौस, तो ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि जो उर्दू के नाम होते हैं मॉन्यूमेंट्स के वो हम देखते नहीं हैं, वी ओवरलोकेट कि कोई नहीं, हमें तो उसका इंग्लिश नेम पता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर आप कैसे करोगे, क्योंकि तख्त ए तौस तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मॉन्यूमेंट है। सो तख्त ए तौस अगर मैं आपको बता दूंगी कौन सा है फिर आप झट से आंसर बता दोगे। सो तख्त ए तौस क्या है? पीकॉक थ्रोन का ही नाम है।
ठीक है. सो आई होप अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि शाहजहां इज द वन हु कंस्ट्रक्टेड पीकॉक थ्रोन, जिसको नादिर शाह बाद में ले गया था इंडिया से. देन नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू हुमायूं टॉम, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेड फोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से किसी भी मॉन्यूमेंट से आ सकता है. जैसे हम यहाँ पे हुमायूं टॉम के बारे में देख रहे हैं, सो इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो येस इट इज़ वन. देन सेकेंड है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कासिम खान, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज हुमायूं टॉम को कासिम खान के सुपरविजन में नहीं बनाया गया था. किसको बनाया गया था, जो रेड फोर्ट है आगरा में, जिसको आगरा फोर्ट बोला जाता है, उसको कासिम खान के सुपरविजन में बनाया था. सो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ वन ओनली. देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मोती मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मोती मस्जिद से क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेंगे कि किसने बनवाई थी. नो, ये तो हमसे क्वेश्चन में ही दे दिया. तो हमसे पूछा गया है दिस मॉस्क वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन ऑनर ऑफ हिज डॉटर जहानारा. अब मोती मस्जिद या ताजमहल या कोई भी बिल्डिंग है वो किसके ऑनर में बनवाई गई है, जैसे फतेहपुर सीकरी है वो किसके ऑनर में बनवाया गया है, ये जानना ज़रूरी है. तो मोती मस्जिद शाहजहां ने अपनी डॉटर जहानारा के ऑनर में बनवाया था, येस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. दूसरा है इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन आगरा, ठीक है. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली. सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ आ गया होगा मुगल आर्किटेक्चर हर एस्पेक्ट से. अब आपसे एग्जामिनर फीचर पूछ ले, यू कैन आंसर. अब आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ ले डिफरेंट मुगल रूलर्स के स्टाइल के बीच, यू कैन आंसर. अब मुगल आर्किटेक्चर कैसे और आर्किटेक्चर से डिफरेंट है, वो यू कैन आंसर. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी यू कैन आंसर. उसके फीचर्स क्या हैं, वो भी यू कैन आंसर. तो आई होप ये पूरा आपको समझ आ गया होगा मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी. बार बार आपको ये रिवाइज करना है. एंड आई होप दिस टाइप ऑफ वीडियोज हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एज वेल एज आर टेलीग्राम चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं hello@civilstep.com पे, आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.